सब्सक्राइब कीजिए देख रिव्यू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ ऑनलाइन डील्स एंड ऑफर्स के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट को। ज्वाइन करने के लिए सर्च कीजिए ऑफर ऑफ वर्ल्ड और वहां पे जाके ज्वाइन में क्लिक कर दीजिए ताकि ऑनलाइन डील्स एंड नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से लेके आ गया हूँ एक कमाल का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पास रियलमी कंपनी की तरफ से रियलमी एच डी रेडी स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी है जिसको हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं और बताने वाले हैं ये टीवी तो कैसा है, आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारी चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसका साउंड टेस्ट करने वाले हैं, पिक्चर क्वालिटी देखने वाले हैं और भी बहुत सारे फीचर्स वगैरह जो भी है इस सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं देख रिव्यू यूट्यूब चैनल। तो चलो 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 चालू करते हैं। ये देखते हैं हम लोग पास रियलमी की तरफ से एंड्रॉयड टीवी आ गया है गूगल असिस्टेंस के साथ और ये है हम लोग का 80 सेंटीमीटर यानी कि 32 इंच वाला टीवी जो कि यहाँ पे आप लोग दिख रहा है। ये एच डी रेडी टीवी है रियलमी के तरफ से और यहाँ पे आप लोग इस टाइप का ब्रांडिंग दे दिया गया है। इसके अंदर आप लोग को नेटफ्लिक्स, डॉल्बी ऑडियो और क्रोमकास्ट बिल्ट इन सब कुछ मिल जाता है। गूगल प्ले है, अमेजोन प्राइम है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, सबका डेडिकेटेड एक बटन मिल जाएगा जो कि हम लोग को रिमोट में दिख भी जाएगा और आप लोग गूगल असिस्टेंस सब कुछ मिल जा रहा है। और ये एंड्रॉयड टीवी है तो बॉक्स पैकिंग कुछ इस टाइप का है, जो रियलमी का टेक्नीशियन विजिट करते हैं आप लोग घर में वही लोग असेंबल करके दे जाएंगे, तो आप लोग को कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ टीवी कैसा है। तो ये देखते हैं हमारे पास आ गया रियलमी का टीवी और पतले बेजल्स के ऊपर रियलमी का ब्रांडिंग दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसको मैं टेबल पे रखा हूँ, आप लोग चाहे तो वॉल माउंट भी कर सकते हैं। तो आप लोग का जो असेंबल करने के लिए आएंगे उन्हीं को बोलिए तो वो लोग वॉल माउंट भी कर देंगे, कुछ चार्जेस लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग टेबल टॉप पे भी रह सकते हैं, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है पतले बेजल्स पे। और साइड वाला भी जो है आप लोगों का बेजल्स है वो भी काफ़ी पतला है। यदि आप लोग पोर्ट्स की तरफ देखते हैं तो आप लोग को एक मिल जाएगा डिजिटल ऑडियो आउट, फिर आप लोग एवी मिल जाएगा एक, फिर एक एंटेना के लिए मिल जाएगा, तीन HDMI पोर्ट मिल जाएगा और एक लैन के लिए मिल जाएगा, तो आप लोग को USB 2.0 का पोर्ट मिल जाएगा। इसमें आप लोग 24 वाट का डाउन फायरिंग स्पीकर मिल जा रहा है जिसके कारण आप लोग साउंड आउटपुट काफ़ी अच्छा मिल रहा है, जिसके बारे में हम लोग इन डिटेल्स और सैंपल वगैरह आप लोगों को दिखाएंगे भी। यहाँ पे आप लोग रिमोट मिल रहा है जिसमें आप लोग देख सकते हैं डेडिकेटेड नेटफ्लिक्स, यूट्यूब प्राइम बटन सब है और इससे ज़्यादा की नहीं, आप लोगों को मैक्सिमम काम वॉइस असिस्टेंट से ही करना पड़ेगा। तो कुछ इस टाइप का रिमोट है। चलिए हम लोग और टीवी के अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। हम लोग सेटिंग में जा रहे हैं और देख लेते हैं एंड्रॉयड वर्जन हम लोगों को क्या दे दिया गया है। तो हम लोग जाते हैं एंड्रॉयड वर्जन चेक कर लेते हैं, अबाउट में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग चलते हैं तो देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन हम लोग 9i मिल जा रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ वीडियो प्ले करते हैं और देखते हैं वीडियो किस टाइप का आ रहा है और वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस किस टाइप का है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वीडियो यानी कि पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पंची लग रहा है, काफ़ी कलरफुल लग रहा है। तो यदि आप लोग को भी मूवी वगैरह देखते हैं तो काफ़ी सुंदर आप लोग को पिक्चर आउटपुट मिल जाएगा, तो जो कि हम लोग कुछ सैंपल दिखा दे रहे हैं। अब हम लोग चेक करते हैं साउंड आउटपुट कैसा आ रहा है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि साउंड किस टाइप का हम लोग को मिल रहा है। 24 वाट का स्पीकर है तो काफ़ी कमाल का साउंड आप लोग को मिलेगा। चलिए और कुछ डिटेल्स के बारे में बात करें तो आप लोग को इसके अंदर ब्राउज़र भी मिल जा रहा है, तो आप लोग चाहें तो कुछ ब्राउज भी कर सकते हैं। आप लोग यदि फेसबुक करना चाहते हैं टीवी के अंदर ही है, और यदि आप लोग कुछ भी वेबसाइट में किसी में भी जाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पंगो ब्राउज़र बोल के एक है, तो आप लोग इनबिल्ट ब्राउज़र मिल जा रहा है जिसको आप लोग यूज़ करके ब्राउज़ कर सकते हैं।
वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। जैसे ऑफर वर्ल्ड ही खोलता हूँ तो मैं यहाँ पे जस्ट वॉइस कमांड से बोलूंगा ऑफर वर्ल्ड, उसके बाद जो भी मेरे को चाहिए वो मेरे सामने खुल के आ जाएगा। रियलमी टीवी का मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो इसके जो पैनल का ब्राइटनेस है वो अप टू 400 निट्स तक जाता है। मीडियाटेक का प्रोसेसर मिल जा रहा है, 24 वाट का क्वाड कोर स्पीकर मिल रहा है विथ डॉल्बी ऑडियो, रिफ्रेश रेट आप लोगों को 60 हर्ट्ज़ का मिल जा रहा है, 1 GB का रैम है, स्टोरेज है 8 GB का, लेकिन आप लोगों को यूजर्स के लिए 4.5 GB तक मिल जाएगा। ओवरऑल ये टीवी काफ़ी कमाल का है, आप लोगों को लेना है तो बेस्ट बाय लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये रियलमी टीवी का जो मैं अनबॉक्सिंग रिव्यू वगैरह सब कुछ दिखाया वो आप लोगों को पसंद आ गया होगा। हालांकि मैं अनबॉक्सिंग तो मैं खुद से नहीं किया हूँ, क्योंकि इसका पॉलिसी रहता है कि आप लोग यदि ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आप लोग खुद से यदि अनबॉक्स कर देते तो वारंटी एक्सपायर हो जाएगा। इसीलिए आप लोग जब भी टीवी परचेस करते हैं तो खुद से अनबॉक्स मत कीजिएगा। मैं आप लोग को सारी चीज़ दिखा दिया हूँ, लेकिन अनबॉक्सिंग एंड असेंबल जो है वो कंपनी के आदमी ही आगे करके गए हैं, क्योंकि आप लोग यदि खुद से अनबॉक्स कर लीजिएगा तो आप लोग का वारंटी एक्सपायर हो जाता है। ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये रियलमी टीवी तो काफ़ी कमाल का है, इसका पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी कमाल का है, साउंड क्वालिटी भी काफ़ी कमाल का मिल जा रहा है। तो ये रियलमी की तरफ से जो स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी है काफ़ी कमाल का है, मेरे तरफ से बिग थम्स अप है। आप लोग लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग ले सकते हैं, हमेशा की तरह बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो तो पसंद आया होगा, पसंद आया तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो लिखते हैं काफी है, बाय बाय टाटा, मिलते हैं फिर एपिसोड में कुछ नया ऑफर एंड अनबॉक्सिंग लेके। तब तक के लिए याद रखिएगा देख रिव्यू बिफोर यू बाय, तब तक के लिए गुड बाय।